एक बार फिर से सायरन की आवाज आई है। कहाँ जाए शेल्टर, कहाँ? आई कांट फाइंड एनी शेल्टर। भारत की मीडिया का सतर इतना गिर जाएगा कभी किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन क्या कर सकते हैं, गिर गया तो गिर गया और किसी ने गिरा दिया तो गिरा दिया, अब कर भी क्या सकते हैं। लेकिन इतना ज्यादा कि जब भारत के ही मणिपुर में इतने दंगे होते हैं, सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है, तो लेकिन भारतीय मीडिया और भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को उस पर तरस नहीं आता कि हमारे देश के लोग मर रहे हैं और उनको दंगों का शिकार बनाया जा रहा है। लेकिन वहां पर किसी भारतीय मीडिया चैनल की इतनी हिम्मत नहीं होती कि उस पे कोई टीवी शो कर सके या वहां पर जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर सके अपने ही देश में। लेकिन अब जिस तरह से इजराइल और हमास का युद्ध हो रहा है, तो भारतीय मीडिया ऐसे लगी पड़ी है कि जैसे उनका युद्ध कम हो रहा है और भारत का ज्यादा हो रहा है। और जिस तरह से लोग तो ये तक कहने को मजबूर हो गए कि ऐसा लग रहा है कि मणिपुर तो इजराइल में है और जो इजराइल और हमास है वो भारत में ही है। इस तरह से मीडिया के टीवी चैनल वाले अखबारों के और टीवी चैनलों के पत्रकार वहां पर पहुंच रहे हैं, तो जिस कारण देश की जनता का गुस्सा फूट रहा है कि जो लोग मणिपुर पर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं होते, जो लोग मणिपुर नहीं जा सकते वो विदेशों में जा रहे हैं और वहां पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जिसको लेकर लगातार भारत की जनता, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय मीडिया की लगातार निंदा भी करता है और लगातार उनको ट्रोल भी कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि भारत 24 की पत्रकार रूबिका लियाकत, जिनको कि मोदी भगत कहा जाता है, वो भी अच्छे वाली पक्के वाली मोदी भगत है, उन्होंने एक ट्विटर पर यानी कि एक्स पर एक वीडियो डाला जिसके रिप्लाई में लोगों का गुस्सा इतना फूटा कि शायद आपको देखकर और पढ़कर हंसी भी आएगी और गुस्सा भी आएगा कि किस तरह से लोग ट्रोल कर रहे हैं हमारे देश की मीडिया को और जिस तरह से उनका सतर गिरता जा रहा है। जब रूबिका लियाकत एक छोटी सी वीडियो बनाकर डालती है लगभग 3 मिनट की, तो उस पर लोगों के क्या क्या रिप्लाई आते हैं। रूबिका लियाकत वहां पर दिखाती है कि यहाँ पर ये सेफ हाउस बने हुए हैं, यहाँ पर ऐसे मिसाइलें गिरती है, ये होता है वो होता है, मतलब वो ग्राउंड रिपोर्ट कर रही है वहां जाकर। तो किसी आदित्य चटर्जी नाम के युवक ने लिखा के कुत्ते भौंकने की आवाज आ रही है, वैसे आपको गाजा जाना था, असली वॉयलेंस उधर हो रहा है, मिसेज प्रोपगैंडिस्ट, जाकर गाजा में देखो, बच्चे भूखे प्यासे मर रहे हैं, तुम मुसलमान कहलाने के लायक नहीं हो। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से गुस्सा फूट रहा लोगों का रूबिका लियाकत पर, उनके धर्म पर भी सवाल उठाने लगे लोग कि तुम तो मुसलमान कहलाने के लायक भी नहीं हो, क्योंकि वहां पर रूबिका लियाकत कह रही है कि सुनिए कैसे आवाज आ रही है, मिसाइल आ रही है, ये हो रहा वो हो रहा, पता नहीं न जाने क्या क्या प्रोपगैंडे चला रही है मीडिया, और उसी को लेकर लोगों का गुस्सा भी फूट रहा है। तो एक और यूजर लिखते कि कुछ शर्म हया बाकी है तो मासूम फिलिस्तानियों को कवर करो, उनका दर्द जानने की कोशिश करो, किस हालत में है वो दिखाओ, रूह मर चुकी है तुम्हारी। तो आगे एक और यूजर लिख रहे के अरे इतना रिस्क लेने की क्या जरूरत थी, मणिपुर चली जाती, वहां इतना खतरा नहीं था। तो एक और यूजर लिख रही है कि वार फील्ड में जाकर किसी के चेहरे पर मुस्कान कैसे आ सकती है, मणिपुर क्यों नहीं गई। तो आप देख सकते कि यूजर का गुस्सा फूट रहा है, उन्हीं के फॉलोवर उन्हीं को ऐसे डांट रहे हैं। तो वहीं पर एक और यूजर लिख रही है कि मणिपुर जाने के पैसे नहीं थे क्या आपके पास, जैसा हमने वीडियो की शुरुआत में ही बताया आपको कि लगातार लोग यही सवाल उठा रहे हैं कि जो पत्रकार मणिपुर नहीं जा सके वह अब इजराइल और हमास का युद्ध कवर कर रही है, और यह देश के लिए बड़ी शर्म की बात है। एक और अपर्णा अग्रवाल नाम की यूजर लिख रही है लियाकत भाईजान इजराइल वर्सेज मणिपुर। तो वहीं पर आपको बता दे के एक और यूजर लिखते के ये लोग रिपोर्टिंग करने गए हैं या उनके काम को और मुश्किल बनाने गए हैं। एक और किरण यादव नाम की यूजर लिखती के काहे नौटंकी कर रही है, इतना ड्रामा करने से ज्यादा लोग देखेंगे न्यूज चैनल और नहीं देखेंगे, तुम लोग नौटंकी ज्यादा करते हो, तुम्हारे दौड़ने की स्पीड से कम है गोला गिरने की स्पीड क्या, कैसे कैसे लोग धरती पर जन्म ले लेती है भारत का नाम हंसाने के लिए। तो देख सकते हैं आप किस तरह से लोग और भी न जाने क्या क्या मीम शेयर कर रहे हैं जो हम आपको ना दिखा सकते हैं और ना बता सकते हैं, ऐसे ऐसे भी लोग कमेंट कर रहे हैं रूबिका लियाकत की इस वीडियो के द्वारा। तो एक और यूजर लिखते के रू
बिकाजी बकोल, आपके युद्धग्रस्त क्षेत्र में इतना मुस्कुराते हुए तो सिर्फ आप ही रिपोर्टिंग कर सकती है। एक से बढ़कर एक कर्तव्य दिखाते हुए कमाल की रिपोर्टिंग हमारा भारतीय मीडिया इजराइल में कर रहा है ना कमाल का कर्तव्य साहिब, मुस्कुराइए, आप इजराइल में हैं। तो लोग इस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि रूबी का लियाकत इजराइल में गई हुई है और वहां पर ये सब हो रहा है और उसके बाद भी रूबी का लियाकत हंस रही है और वहां पर लोगों की जान की बनी हुई है कि जिस तरह से फिलिस्तीनियों की हत्याएं हो रही है लगातार और उसके बावजूद भी भारतीय मीडिया तमाशा बना रहा है। तो किसी ने एक और तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि ये तस्वीर भारत से तुम्हें इजराइल भेज रहा हूँ, तारीख देख लेना इस फोटो में लिखा है। और अगर तुम भारतीय हो तो मणिपुर नाम तो सुना ही होगा, मौका मिले या कभी जमीर तुम्हें थप्पड़ मारे तो याद रखना भारत के साथ बहने कहे जाने वाले उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर ने मारा है। तो वहां पर एक लड़का और लड़की की तस्वीर उन्होंने साथ में पोस्ट की है जो आपको दिखा नहीं सकते। आपको याद होगा मणिपुर में क्या क्या हुआ पिछले दिनों, जिस कारण लगातार लोग ट्रोल कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। तो आगे एक और यूजर लिखते के मणिपुर में तो रोज साइरन बजता है। एक और यूजर लिखते के दलाल औरत, अगर ऐसे वीडियो दिखाने का दम है तो दिखाओ, ये इजराइल का हमला है मासूम फिलिस्तानी पर। जहां पर एक ना दिखाने वाली तस्वीर पोस्ट की गई है जहां पर कि एक छोटी सी बच्ची है और उसकी माँ की शायद डेथ हो गई है, वो उसके पास रो रही है, ऐसी वीडियो पोस्ट कर रखी है। तो वहीं पर एक और यूजर लिखते के देश में बीजेपी की हार का सायरन बज रहा है, जल्दी वापस आ जाओ नहीं तो इजराइल में ही शिफ्ट न होना पड़ जाए। तो एक और आगे यूजर लिखते हैं कि एक बात बताओ, मणिपुर जाने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं थे किराए के लिए, यह मणिपुर विदेश में लगता है, संभल के रहना, ठीक है वहां पर कुछ भी हो सकता है, युद्ध का टाइम है। तो एक और यूजर लिखते के पीछे से कुत्ते की आवाज आ रही है, कुत्ते की आवाज सुनकर हम लोग थर थर कांप रहे हैं। तो एक और यूजर लिखते के न्यूज चैनल देखो तो ऐसा लगता है जैसे इजराइल भारत में है और मणिपुर इजराइल में है, क्योंकि रूबी का लियाकत इसमें कहती है कि सायरन बजने की आवाज आ रही है, ऐसा कुछ हो रहा है। तो वहीं पर एक और यूजर लिखते के लेकिन आसपास तो सिर्फ गुल्लू देवगन के भौंकने की आवाजें आ रही है। तो आप समझ ही सकते गुल्लू देवगन किसको कह रहे हैं, अमीश देवगन को, जिसको के गुल्लू कहा जाता है। और आगे बहुत सारे लोगों ने ऐसे ही न जाने क्या क्या कमेंट लिखे हुए हैं और न जाने क्या क्या सुना रहे हैं। लेकिन एक और यूजर लिखते के देख रहे हो विनोद, आज चिड़िया आजाद महसूस कर रही है, लेकिन सच तो यही है कि डोर सरकार के हाथ में है, जितना चाहेंगे इतना नचाएंगे। तो ये लगातार सवाल उठते रहे भारतीय मीडिया पर। और ये रूबी का लियाकत भारत 24 की पत्रकार जो पहले एबीपी न्यूज में होती थी, तब भी इन पर यही तगमा लगता था कि मोदी भक्ति के लिए लोगों को आपस में लड़वाती है, डिबेट ऐसी करवाती है, धर्म के नाम पर लोगों को आपस में लड़वाते हैं, भड़काते हैं, ऐसे आरोप लगातार लगते रहे हैं। और अभी भी जिस तरह से इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है, तो जहां भारत इजराइल के साथ खड़ा हुआ है, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया था, जिसके बाद लगातार लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी सवाल उठा रहे हैं। और आपको बता दें, अब भारतीय मीडिया जिस तरह से वहां जा जाकर कवर कर रहा है, तो उसके ऊपर भी लगातार लोग सवाल उठाते हैं कि देश में इतने सारे मामले हो जाते हैं, इतनी सारी घटनाएं हो जाती है, लेकिन देश की मीडिया की हिम्मत नहीं होती कि वहां पर जाकर सच दिखा सके या सच बोल सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है जहां पर, वहां पर मीडिया चुप रहती है। और यही कारण है कि लोग अभी इनको ट्रोल कर रहे हैं और भी न जाने क्या क्या सुना रहे हैं। दोस्तों, इस पर आप क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।